सत श्री अकाल जी, मैं डॉक्टर पुरी। मैं बेसिकली रोको कैंसर संस्था के अंदर मेल डॉक्टर है। सारे पंजाब के अंदर जिन्हें भी मेल्स के पेशेंट्स है वो सारे मैं देखता हूँ। बेसिकली मैं थोड़ा जहाँ पहला संस्था बारे दसना चाहूँगा। रोको कैंसर की है? रोको कैंसर NGO है। NGO का मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यदा सरकार ना कुछ लेना देना है नहीं है, एक प्राइवेट संस्था है। मिस्टर APS चावला जी ये चेयरमैन है। ये संस्था सन 2000 तो साड़ी सोसाइटी के अंदर, साड़े शहर के अंदर, पिंडा के अंदर, अलग अलग स्टेट्स के अंदर काम कर रही है। एंड ये सिर्फ तो सिर्फ सेवा भावना के नाल काम कर रही है। ये संस्था का मोटिव जिहड़ा सीगा मैं थोड़ा तुहानू दसना चाहूँगा। मिस्टर APS चावला जी की वाइफ की डैथ हुई सी ड्यू टू ब्रेस्ट कैंसर सन 2000 के अंदर। एक्चुअली होया की सीगा कि उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर सी एंड उन्होंने पता नहीं लगा सी कि मैंने ब्रेस्ट कैंसर है। ही इज़ मल्टी मिलियनेयर पर्सन। अगर उन्होंने पता लग जाता ही कैन ईजली अफोर्ड एनी काइंड ऑफ सर्जरी और एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। लेकिन उन्होंने नहीं पता लगा कि मेरी वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर है, जिस वजह नाल उन्हां दी वाइफ की डैथ हो गई। फिर उन्होंने ये सोचा कि इदा ही मेरिया होर भैणा मेरिया होर मावां नाल इह कदी ना होवे। ये सोच लैके उन्होंने एक संस्था शुरू की, रोको कैंसर, जिहदा मेन मोटिव सीगा अर्ली अवेयरनैस एंड अर्ली डिटेक्शन, ठीक है। अर्ली अवेयरनैस एंड अर्ली डिटेक्शन बेसिकली की है कि जे सानू पहला ही पता लग जाए कि कैंसर की चीज़ है, सानू कैंसर क्यों हुंदा है, कैंसर के कारणों नूं दूर कर लिए तो तुहानू कैंसर होएगा ही नहीं। दूसरी चीज़ अर्ली डिटेक्शन के अंदर की आता है, जे आप फस्ट स्टेज के उत्ते ही कैंसर नूं फड़ लिए तो समझ लो ताड़ा बिल्कुल मुफ्त वर्गा इलाज हो सकता है ते तुहाडी जान बच सकती। आपां वख वख पिंडां दे अंदर वख वख शहरां दे अंदर जाके एक NRI स्पॉन्सर्ड NGO है। जिहड़े भी पिंड दे NRI वीर भरा साडे सानू स्पॉन्सर करदे आ, साडियां भैणां सानू स्पॉन्सर करदियां, आपां उहनां दे पिंड दे विच जाके बेसिकली एक मैमोग्राफी करदे आ। मैमोग्राफी की है? ब्रेस्ट कैंसर का टैसट आ। मैमोग्राफी 2200 रुपये तो लैके 3000 रुपये तक कॉस्ट करती है। आपां बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं किसी प्राइवेट संस्था के अंदर या प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। यदि इन्नी कॉस्टिंग आपां कोई पैसा नहीं चार्ज करते। वो देखो दूसरा टैसट इस पैपसमीयर, पैपसमीयर होंगे जनानिया की बच्चेदानी के कैंसर का टैसट। जनानिया के बच्चेदानी कोई रसौली हो, पानी पैंदा हो, पीरियड्स की कोई प्रॉब्लम हो, जनानिया भी ये करा सकती हैं टैसट। पर यह जो टैसट है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर 600 रुपये तो लैके 700 रुपये की कॉस्टिंग आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये टैसट करते हैं। तीसरा बंदियां लई टैसट है, बंदियां दे गदूदा का टैसट, जिन्हों आप कहने PSA। जरूरी नहीं है कि गदूदा ने कैंसर वाला बंदा ही ये टेस्ट करा सकता है। जिन्हों गदूदा की कोई प्रॉब्लम है, गदूदा का साइज वध्या होवे या गदूदा की कोई दिक्कत होवे, वो भी ये टेस्ट करा सकता है। ये लक्षण की होंगे है, ये पेशाब रुक रुक के आना शुरू हो जाता है या बंदे के पेशाब का यूरिन का प्रेशर इन्ना कि ज़्यादा वध जाता है कि वो को बाथरूम तक नहीं पहुँचा जाता। उन्होंने लगता है कि मेरा पेशाब हूँ निकलिया। इस करके मैं तुहानू रिक्वेस्ट करांगा, तुसी प्लीज़ जिन्हें भी 50 साल के लागे छागे मेल्स हो PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जरूर कराया करो। चौथा टैसट रोको कैंसर करते हैं, कैंसर रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी आप एक सहूलत दें, दिल का टैसट ECG करते हैं। यदि कॉस्टिंग 150 रुपये तो लैके 200 रुपये है। ECG बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इतने कैंप के अंदर करते हैं। पंजवां ते छेवां टैसट वो बहुत ही सिंपल टैसट है, BP ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर, ठीक है। सारे पेशेंट्स का, चाहे वह बंदा है चाहे वह जनानी है, उन्होंने ब्लड प्रेशर तो ब्लड शुगर चैक होंगी है। फिर उस तो बाद रिगार्डिंग डॉक्टर्स को जाते हैं एंड फिर वो अगे रिकमेंड करते हैं टैसट अकॉर्डिंग टू देयर सिमटम्स। छेवीं चीज़ आप एक पेशेंट को सहूलत प्रोवाइड करते हैं, वो बेसिकली की है कि आप फ्री मेडिसिन दें। हूँ कई लोग कैंसर का नाम सुन के आना पसंद नहीं करते हैं, कई लोग कैंसर का नाम सुन के डरते हैं, वो नहीं आते। उन्होंने आप एक रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम जो कैंसर का टैसट भी नहीं भी कराना चाहते, आप रिक्वेस्ट करा जरूर कराओ। लेकिन जो तुम नहीं कराना चाहते, तुम इतने मुफ्त दवाइया का लाभ पा सकते हो। खांसी, रेशा, जुकाम, गोडे दर्द, एवरीथिंग आप हर एक जनरल मेडिसिन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मानते हैं। कैंसर की है साड़ी अपनी बॉडी दे सैल्स दी बनी है। बेसिकली बहुत छोटे छोटे सैल जुड़ के साड़ी बॉडी बनी है। जो ये सैल बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होने शुरू हो जाए, उन्होंने आप कहने तुम कैंसर हो गया, ठीक है। कैंसर करके कोई नहीं मरता, कभी भी कैंसर किसी जान तो नहीं मारता, हमेशा बंदे की इम्यूनिटी जान तो मारती है। कैंसर करके बंदे की इम्यूनिटी लो हो जाती है, जो बंदे की इम्यूनिटी लो होगी तुम मर जाओगे, ठीक है। इस करके मैं रिक्वेस्ट करा अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते रहो। हूँ इम्यूनिटी की मैं गल क्यों की है थोड़ा जहा एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि इम्यूनिटी के नाल सीधा सीधा रिलेशन कैंसर के कारणों का है। कैंसर मालवा बैल्ट के अंदर बहुत ज़्यादा वध गया है। मालवा बैल्ट के अंदर वधन का कारण ही यही है क्योंकि वो लोग पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तंबाकू का सेवन सब तो ज़्यादा पंजाब के अंदर मालवा बैल्ट के अंदर है, ठीक है। इस करके मालवा बैल्ट के अंदर ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, बच्चेदानी के कैंसर सब तो वध है, ठीक है।
इस करके ही पंजाब सरकार ने एक स्कीम शुरू की है। अजकल हाले थोड़े महीने ही हुए उस स्कीम ने शुरू हुए, हाले सिर्फ तो सिर्फ मालवा रीजन के अंदर वो स्कीम है, सिर्फ मौजूदा हालातों को देख के। उस स्कीम की है जनानिया की बच्चेदानी के कैंसर लई स्कीम है। की किया पंजाब सरकार ने एक इंजैक्शन कढ़ता सर्वेरिक्स नाम का ह्यूमन पैपीलोमा वायरस। बेसिकली की है कि कैंसर का कारण हुंदा है ह्यूमन पैपीलोमा वायरस। आप ह्यूमन पैपीलोमा वायरस बहुत लो क्वांटिटी के अंदर बंदे दे पेशेंट दे अंदर इंजैक्ट करते हैं, या जेड़ा पेशेंट नहीं भी है अर्ली साइंस लई अर्ली डिटेक्शन लई अर्ली अवेयरनैस लई अंदर आप इंजैक्ट करते हैं ह्यूमन पैपीलोमा वायरस। उहदे नाल की हुंदा है कि जदों उहदियां तीन डोजेस तीन वारी टीका उस जनानी नूं जिहड़ी जनानी 16 साल तो 30 साल की उम्र के अंदर है, जे उहनूं तीन टीके लग जाण इस उम्र के अंदर 6-6 महीने बाद उहनूं जिंदगी 'च कदी कैंसर नहीं होएगा। इस करके मैं सारयां नूं रिक्वेस्ट करांगा अपने लागे जिन्ने भी मालवा रीजन के एरिया के लोग मैनूं सुन रहे अपने एरिया के सिविल हॉस्पिटल सिविल सर्जन कोल जाओ एंड आई रिक्वेस्ट दैम प्लीज़ प्लीज़ अपने इंजैक्शनस कराओ अपनी वैक्सीनेशनस कराओ जिदा छोटे बच्चे नूं आपां वैक्सीनेशन करदे हां उदां ही। दूसरा पंजाब सरकार एक बहुत वधिया काम कर रही है एंड ये हुंदा नहीं कर रही है पिछले 5 सालों तो कर रही है। पंजाब सरकार हर कैंसर के मरीज नूं 1,50,000 रुपया दिंदी है इररिस्पेक्टिव वो बंदा अमीर है बंदा गरीब है बंदा केड़ी कास्ट दा है केड़ी जात दा है केड़े धर्म दा है केड़े एरिए दा है। पंजाब सरकार उन्हें 1,50,000 रुपये दिंदी है कैंसर के मरीज नूं। हुण मैं थोड़ा जिहा एक्सप्लेन करांगा जिन्ने भी कैंसर के मरीज मेरी गल सुन रहे हैं उन्हां दी सहूलत देण नूं ये पैसे तुसी लैने कितना ठीक है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते वो पैसे नहीं लेंदे वो कहते कि भंबल भूसे च बहना छड्डो परा, पर बहुत ही ईजी टास्क है। थोड़ा जा दसूँगा कि करना है जे तुसी कैंसर के पेशेंट हो, रब ना करे कभी भी तुहानू इहो जिही बीमारी लगे, पर जे तुसी कैंसर के पेशेंट हो तुसी की करना है जेड़े भी एरिया तुहानू लागे पैंदा है फॉर एग्जाम्पल दुआबा रीजन दे हो जे तुसी गुरु रामदास हॉस्पिटल तुहानू लागे पैंदा है, जे तुसी फरीदकोट दे हो बाबा फरीद हॉस्पिटल लागे पैंदा है। इहदी पूरी लिस्ट आ गूगल दे अंदर तुसी लभ सकदे हो 17 तो 18 हॉस्पिटल्स है जेड़े कि इस टाइम कैंसर लई ए रिलीफ फंड दिंदे पए। तुसी अपने एरिया दा या अपने सब तो लागे जेड़ा हॉस्पिटल है वो तुसी सर्च आउट करके उत्थे पहुँचना, अपने रिलेटिड डॉक्टर नूं मिलना है जिहड़े डॉक्टर ने तुहाडा ट्रीटमेंट करना है ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जे तुहानूं ब्रेस्ट कैंसर है ब्रेस्ट दे कैंसर दे स्पैशलिस्ट ओंकोलॉजिस्ट नूं तुसी मिलना है, उन्हां तो सलाह लैनी है, वो एक बजट तुहानूं दऊगे कि तुहाडे खर्चा इन्ना आना है। फॉर एग्जाम्पल जे तुहानूं ब्रेस्ट कैंसर है तुहाडे ते 4 लाख रुपया लगना है या 3 लाख रुपया लगना है, तुहानूं वो डॉक्टर 3 लाख रुपया लिख के अपनी स्टैंप लगा के तुहानूं हाथ दे अंदर एक कागज़ दे देगा ठीक है। वो तुसी पहला कागज़ भर के दोगे, वो कागज़ भरना कितना है सिंपल जो डिटेलिंग्स है अपना नाम ये वो सब लिखना है अपना एरिया लिखना है अपना एड्रैस लिखना है फादर हिस्ट्री सब भरना है। जे तुहानूं कोई दिक्कत आती है साडे कैंप ते आओ आपां तुहाडे लई सेवा करन लई तैयार हैं, आपां जरूर भरांगे। एक फॉर्म भर के तुसी अपने लागे दे हॉस्पिटल च जाके जदों वो डॉक्टर तुहानूं एक बजट लिख देगा जिद्दां तुहाडा 2 लाख लगना 3 लाख लगना वो तुहानूं फॉर्म मिल जाएगा, वो फॉर्म लैके तुसी अपने एरिया दे सिविल सर्जन कोल जाना है ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जे तुसी अमृतसर रहिंदे हो तो अमृतसर दे सिविल सर्जन कोल जाना है, जे जलंधर रहिंदे हो जलंधर दे सिविल सर्जन कोल जाना है। सिविल सर्जन उत्थे फिर स्टैंप लगाएगा मोर लगाएगा कि हाँ ये एरिया का बंदा है ये मेरे एरिया का बंदा है इन्हां नूं रिलीफ फंड मिले। फिर उस तो बाद ये जिहड़ा रिलीफ फंड आ वो तुहाडे अकाउंट दे अंदर तुहानूं पैसे नहीं मिलते तुहानूं एक अकाउंट बन जाता है तुहाडा एक अकाउंट जिहड़ा जिहड़े हॉस्पिटल दे डॉक्टर ने तुहानूं मोर ला के दित्ती है उस हॉस्पिटल के अंदर तुहानूं डायरैक्ट गवर्नमेंट के पैसे पहुँचने शुरू होंदे आ। ना केवल ये अंदर तुहाडे ट्रीटमेंट 1,50,000 तक फ्री आ तुहाडी ट्रैवलिंग चार्जिज भी हुण गवर्नमेंट जिहड़ी आ उह प्रोवाइड करदी आ, पूरे नहीं प्रोवाइड करदी 50% प्रोवाइड करदी आ तुहाडे ते 50% तुहाडे अटेंडेंट दे भी ट्रैवलिंग चार्जिज। जिद्दां कि फॉर एग्जाम्पल तुसीं अमृतसर दे लागे किसी पिंड च रहिंदे हो ते तुसीं गुरु रामदास हॉस्पिटल वल्लां जाणा है उत्थे तुहाडा ट्रीटमेंट चलदा पिया, तुसीं जिहड़े तुहाडे चार्जिज आ बस दी टिकट आ टैक्सी दा किराया कुछ भी आ वो तुसीं 50% तक सरकार तुहानूं देगी एंड तुहाडे नाल एक अटेंडेंट नूं भी देगी जिहड़ा अटेंडेंट अटेंडेंट मतलब तुहाडे नाल दा साथी जिहड़ा तुहाडे नाल जा रहा तुहाडी ट्रीटमेंट कराउण। इस करके मैं रिक्वेस्ट करांगा गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा सेवा कर रही है तुसीं प्लीज़ इस सेवा का लाभ लो। हुण मैं करांगा गल कैंसर इन्ना ज़्यादा फैल क्यों रहा ठीक है। पंजाब के अंदर तुसीं सुन रहे हो कि पंजाब तां गढ़ बन गया कैंसर का, इहदा कारण सब तो वड्डा है पेस्टिसाइड्स ठीक है। जिहड़ियां भी खुराकां जिहड़ियां भी खादां आपां यूज़ कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। मेरे कई किसान मेरे कई फार्मर्स फ्रेंड्स आ उहनां नाल जे तुसीं बैठ के गल करोगे वो आप दसूगे कि जिहड़ा मैं घर दे अंदर सब्जी वरत रहा वो मैं अपनी क्यारी चला रहा लेकिन जिहड़ी मैं वेच रहा वो खेतां चला रहा। तो मैं उहनूं पुछया मैं कहा तू खेतां वाली सब्जी क्यों नहीं वरतदा क्यों नहीं खांदा, उन्हें मैंने साफ किया नहीं वो सही नहीं है। इहदा मतलब इंटरनली तुहाडे किसानां नूं साडे किसानां नूं पता है कि ये सही पेस्टिसाइड्स आप यूज़ नहीं कर रहे। इस करके मैं रिक्वेस्ट करांगा प्लीज़ सारे फार्मर्स तो सारे मेरे किसान भाइयों कृपा करके एक लिमिट तक पेस्टिसाइड्स यूज़ करो जिद तक वो क्वांटिटी जी हार्मफुल नहीं आ बॉडी लई
सिर्फ उन्होंने राइपन करने लिए जो तुम यूज कर रहे हो तो इट्स फाइन, लेकिन जो तुम राइप होने तो बाद एक दिन के अंदर फसल ताकि हरे तो पीली हो जाती है, यदा मतलब वो हार्मफुल है बहुत ज़्यादा, ठीक है, प्लीज़ ना यूज़ करो। दूसरा वड्डा कारण है माइक्रोवेव, जिन्हें भी मेरे सिस्टर्स मेरे ब्रदर्स मेरी गल सुन रहे हैं, माइक्रोवेव शायद साढ़े सारे के घर माइक्रोवेव, ऑलमोस्ट 90% के घर हो गया। माइक्रोवेव लेना बहुत सौखा है सर, उसकी मेंटेनेंस तो उसकी यूज़ करनी बहुत औखी है, आप यूज़ ही नहीं करते उन्होंने सही ढंग नाल। आप कर रहे हैं प्लास्टिक का भांडा लेने उस सब्जी पाने उन्होंने माइक्रोवेव के अंदर पा के माइक्रोवेव के बटन दबद सब्जी गर्म कर देंगे आप खा लें, पर यह सीधा सीधा आप अपने आप को अपने बच्चों अपने हसबेंड अपनी वाइफ को हर एक आप कैंसर दे रहे हैं। की करना है आप माइक्रोवेव के अंदर शीशे का कच का बर्तन यूज़ करना है, बोरोसिल के भांडे यूज़ करने हैं, सो दैट कि माइक्रोवेव दिया किरणा जो कच के भांडे चो निकल के साड़ी रोटी गर्म करन वो कोई हार्मफुल ना होए। जो प्लास्टिक के नाल हीट का कॉन्टैक्ट होएगा उस सीधे सीधे कारसिनोजनस उस सब्जी के अंदर उस रोटी के अंदर पाऊगे, इस करके मैं रिक्वेस्ट करता वा कभी भी माइक्रोवेव के अंदर प्लास्टिक का भांडा यूज़ नहीं करना। तीसरा वड्डा कारण भी प्लास्टिक के नाल रिलेटेड है, आप किसी होटल च जाने किसी ब्याह च जाने किसी मैरिज पैलेस जाने अपने घर च भी साडे कोल क्रॉकरी पई है प्लास्टिक की, आप उस गर्म रोटियां खाने पे हैं वो भी हार्मफुल है। माइक्रोवेव च नहीं सिर्फ बेसिकली प्लास्टिक का कॉन्टेंट हीट च नहीं होना चाहिए। आप करते हैं गर्म गर्म सब्जी प्लास्टिक की प्लेट च पा खाने सीधा सीधा कैंसर कॉजिंग है वो, मैं रिक्वेस्ट करांगा इस चीज़ तो बचो इनू इग्नोर करो, ठीक है। आही मेन सब तो मेन कारण तीन आ, हूँ इस तो बचना कितना, सब तो पहला ये कारणों दूर करना आप, जे आप कारणों दूर करने लिए सफल हो गए तो अपनी डाइट न चेंज करना है, फ्रूट्स खाओ वैजीटेबल्स खाओ वीट खाओ, लेकिन इन्ना ज़्यादा आटा ना खाओ, आटा कुछ नहीं करता, आटा फैट दिता पाया सानू और कुछ नहीं करता, आप मोटे होवे सानू बीमारियां लगूंगिया, शुगर होगी बीमारियां लगूंगी, हर बीमारी का रिलेशन कैंसर नाल हैगा है, इस करके तुसीं प्लीज़ सारिया बीमारियों तो बचो। तो जरूर अपने लाइफ के अंदर अपनी जिंदगी अंदर एक चीज़ ऐड करो, सलाद तो फ्रूट, जे तुसी सैलड ते फ्रूट खांदे हो तुहानू जिन्ना बॉडी दे अंदर सोडियम पोटाशियम वाटर कंटेंट फाइबर्स चाहिए वो सब कुछ मिल जूगा, ना तुहानू कब्ज होएगी ना तुहानू वीकनेस होएगी, इदां दी कोई बीमारी नहीं होएगी। इस करके सब किया जाता है, वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक स्टडी आई थी, वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जिन्हें भी हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं उन्होंने हैड है, ठीक है। उन्होंने एक स्टडी की, उन्होंने स्टडी के अंदर एक रिलीफ किया कि जे तुम चार पत्ते तुलसी दे, मेरे ख्याल में तुलसी बहुत ही ईजीली अवेलेबल है, अपने आप क्यारी अपने अपना घर के अंदर ला सकते हैं, चार पत्ते तुलसी दे तोड़ के उन्होंने धो के जे आप रोज़ खाने सानू जिंदगी कभी भी कैंसर नहीं होगा। मैं रिक्वेस्ट करांगा तुसी प्लीज़ जो जो मैं प्रीकॉशनस दसियां या जो जो मैं नवीं गल्लां तुहानू मेरे तो सुन के पता लग गया, मैं नहीं चाहता जे मैं 100 गल्लां कहीं तो तुसी मेरी 100 गल्लां सुनो तो उन्हें याद करो, कुछ नहीं है इदा, जे 100 चो 2 गल्लां भी तुसी मेरी सुन लेंदे हो समझ लेंदे हो मेरा काम हो गया। थैंक्स अ लॉट। सर सहूलत वास्ते कैंसर उपो कैंप जो कि गुरद्वारा बाबा संघ जी के पावन पवित्र स्थान से लगाया गया है, इस विच बहुत संगत आके मरीज आके इस सहूलत प्राप्त कर रहे हैं, दवाइया लै रहे हैं, वो तो वह संगत बेनती है कि इस कैंसर रोको कैंप के शामिल हो के जे भी किसी ने कोई नुक्स है उसको चेकअप करा के अपना जोड़ा ये कैंप का लाभ उठा चाहिए है, योजे वो तो वह कैंप लगने चाहिए ने ता कि संगत इन्होंने सहूलत प्राप्त हो सकन। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, मैं डॉक्टर गगन रोको कैंसर संस्था वालों सब का स्वागत है। सब तो पहला असं चुंबड़ फैमिली का थैंक यू करांगे जिन्होंने सानू अपने पिंड संघ ढेसियां बुला के सानू मौका दिता है कि असं इतने पिंड के लोगों ना कैंसर बारे गल कर सके उन्होंने अवेयर कर सकी, क्योंकि जिवें सारिआं नू पता है कि अज के टाइम पर पंजाब विच कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जिते सानू लगता सी कि ये वैसटर्न कंट्री की एक बीमारी है कैंसर, हूँ इस तरह का कुछ नहीं रहा। अगर असं अपने सर्विस नू चेक करिए या खुद देखिए हर साल 28,000 तो भी वध मौतां हो रही लेडीज़ दीआं, खास करके बच्चेदानी दे कैंसर करके ते छाती दे कैंसर करते। हुण इहदे पिछे कुछ कारण है, सब तो पहला कारण है अवेयरनैस की कमी होना, किसी नू पता नहीं है कि कैंसर किद्दां हुंदा है या इहदे किहड़े चीज़ां का ध्यान रखना चाहिए कि आपां देख सके साडे बॉडी चे साडे शरीर चे कोई इहो जिहा बदलाव तां नहीं आ रहा जिहदे करके सानू कैंसर हो सकदा है। खास करके अगर असीं इत्थों दे हुण लोकां दी गल करिए तो उन्हां च एक गल आपां देखी है कि उन्हां नू अवेयरनैस दे नाल नाल एक हैजीटेशन एक फैसिलिटीज़ का ना होना एक वड्डा कारण है।
क्योंकि इतने अगर उन्होंने छाती की कोई प्रॉब्लम है या बच्चादानी की कोई प्रॉब्लम है उन्होंने दिमाग से एक ही गल है कि असं एक गल डॉक्टर ना कि शेयर करा या इतने किसी फीमेल डॉक्टर के ना होने करके वह लोग अगे वध के आते नहीं है जिद करके की होंगे अपने आप इस बीमारी ना जूझते रहेंगे तो हौली हौली वह बीमारी अगे वध के कैंसर का रूप ले लेंदी है। दूसरा एक कारण होर देखे है कि उन्होंने लगता है अगर असं कैंसर के पेशेंट नाल रेंदे हाँ उसकी सेवा की है या वह जूठा खाना खाधा तो सानू कि कैंसर ना हो जाए ये कुछ चीज़ें हैं जो कि उन्होंने क्लीयर नहीं है तो असं इतने सिर्फ तो सिर्फ अवेयरनैस वास्ते तो स्क्रीनिंग वास्ते आए हैं ताकि अगर किसी को कोई यहोजी प्रॉब्लम है जिन्होंने अजे तक नहीं पता चलिया तो उन्होंने एटलीस्ट पता लगे कि वह किस बीमारी से किस स्टेज पर खड़ा है। तो इस बारे मैं कुछ गल्लां थाना भी शेयर करना चाहूँगी जिमें कि अपने ब्रेस्ट कैंसर बारे से गल करिए तो सेल्फ एग्जामीनेशन एक चीज़ है कि आप खुद घर कर सकते जो तो पता चल सकता है कि सानू कोई यहो जी प्रॉब्लम तो नहीं है जिदे करके असी अर्ली स्टेज पर अपना जाके इलाज शुरू करा सकते हैं अपनी असी इन्वेस्टिगेशन शुरू करा सकते हैं या किसी कोई ऐसा वहम है जिदे वहम के करके कई थोड़ी एनजाइटी रेंदे है कि मैं कितने कैंसर तो नहीं हो जाए तो उन्होंने वास्ते मैं स्पैशली कुछ सिमटम्स दसना चाहूँगी ब्रेस्ट कैंसर के। सब तो पहला कि अपने छाती के आकार से शेप में किसी भी तरह का बदलाव आना एक छाती का वड्डा होना एक छाती का छोटा हो जाना जिमें कि एक छाती अपने आप सिंगड़न लग पैंदी है। जिहड़ियां लेडीज़ का ब्रेस्ट फीड करांदियां हैं उन्होंने भी यह लगता है कि मेरी छाती के साइज़ से कोई फर्क आ गया मैनू कैंसर तो नहीं यह कोई कारण नहीं है क्योंकि ब्रेस्ट फीड देना जिहड़ा वेरिएशन आती है साइज़ से एक नॉर्मल गल है। अगर किसी की छाती से कुछ समय तो बदलाव अपने आप आ रहा है जिमें कि किसी का 3 महीनों से या 2 महीनों से वह छाती का लक्षण कैंसर का हो सकता है। इस तो इलावा अपने छाती के निप्पल है वो अंदर मुड़ जाते हैं या उस तो किसी भी तरह का स्राव निकलना खून निकलना वह कैंसर का लक्षण हो सकता है या जब छाती से किसी भी प्रकार की गंढ का होना क्योंकि 90% कैंसर उदों ही पता चलता है जो किसी को कोई गंढ महसूस होती है। पर हुण यह भी जरूरी नहीं है कि हर गंढ कैंसर होवे तो इहदा अनुमान तुसी नहीं लगा सकते। अगर किसी को कोई छोटी जी भी गंढ महसूस होती है छोटी है वड्डी है पेनफुल है चाहे नहीं पेनफुल है तुसी उहदे वास्ते डॉक्टर को जाओ चाहे मेल डॉक्टर है चाहे फीमेल डॉक्टर है। एक तुसी कोई होर टेस्ट नहीं करा सकते मैमोग्राफी सोनो मैमोग्राफी नहीं करा सकते तो अल्ट्रासाउंड जरूर कराओ जिस तो यह पता चलेगा कि हुण इस तो इलावा छाती दे उस गंढ वास्ते फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है या नहीं है या मेडिसिन ना ठीक हो जाएगी या कढ़ानी पेगी एटलीस्ट कुछ थानू कुछ तो डायग्नोस होएगा इस करके कुछ होर नहीं है तो अल्ट्रासाउंड जरूर करा लिया करो। इस तो इलावा अपने जो छाती का आकार है वह संतरे की तरह हो रहा है उस कोई सोज पै रही है या जो छाती का मास है अंदर दब रहा है या फिर छाती के किसी एक हिस्से से खारिश होकर उस मास उतर रहा है तो ये वास्ते सैल्फ एग्जामीनेशन जरूरी होंगी है जिन्होंने तो मैंसिस आते हैं जो कि लेडीज़ है हले मैंस्ट्रुअल साइकिल जिन्होंने कंटिन्यू है वो अपने जो मैंसिस की डेट होंगी उस तो 15वें दिन अपने सैल्फ एग्जामीनेशन जरूर करन चाहे नहाते हुए करन चाहे खुद शीशे अगे खड़े होकर करन अपनी छाती को पूरी जिद एक घड़ी चलती है क्लॉकवाइज एग्जामिन करन पोजिशनस बनान एंटी क्लॉकवाइज हॉरीजोंटली वर्टिकली अंडर आर्म्स के नीचे एक्सलरी रीजन से कॉलर बोन्स से इस जगह पर जरूर देखें कि मैंने कोई गंढ तो नहीं है या मैंने किसी भी कोई ऐसा हार्डनेस तो नहीं महसूस हो रही जो पहला नहीं सी। सेल्फ एग्जामीनेशन बहुत जरूरी है तो जेडे कि मेनोपोज लेडीज़ आ वो अपने महीने से एक बार कोई भी महीने से एक डेट देख लैन उदों अपनी जरूर एग्जामीनेशन करन। हुण कईयां नूं ये प्रॉब्लम रहिंदी कि असी बहुत यंग आ 30 साल की उम्र है मैनू कैंसर नहीं हो सकता तो रोको कैंसर के इन्ने कैंप्स के असी यह देखा हुआ है कि बहुत यंग लेडीज़ लास्ट कैंप से एक 23 साल की कुड़ी मैं देखी सी जो कि कैंसर तो जूझ रही थी तो उसकी कीमोथेरेपी चल रही थी। इस करके ये पीछे बहुत सारे कारण है साडा लाइफ स्टाइल का चेंज होना अजकल जो रेज आ जो कि अल्ट्रावायलेट रेज है या जो जॉब आप करते ऑक्यूपेशन बहुत मैटर करती है आप किस चीज़ पर काम कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें कि ये हूँ कोई एज लिमिट नहीं रह गई है कैंसर किसी को भी हो सकता है किसी भी एज से हो सकता है चाहे वह लेडी मेनोपोज हो गया 50 ईयर्स अबव है तभी उन्होंने कैंसर हो सकता है। इस करके मेरी हर लेवल की लेडीज लिए यह रिक्वेस्ट है कि अपने एग्जामीनेशन जरूर करो ताकि पता चले कि प्रॉब्लम आ सकती है कैंसर वास्ते या आप कदों इनू चैक कराने की सानू जरूरत पै सकती है। सैल्फ एग्जामीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मैं फिर दस रही हूँ। हुण असीं बच्चेदानी के कैंसर की अगर गल करिए बच्चेदानी का कैंसर क्यों ज़्यादा फैलता पाया है क्योंकि ये वास्ते भी फिर मैं उही गल करूँगी अवेयरनैस नहीं है। अगर किसी को असं एक एग्जाम्पल लीए छोटी जी कई पेशेंट आते हैं जेडे कहते हैं मैनू खुद को पूछना पैंदा कि तुहानू कोई डिस्चार्ज की लुकोरिया की प्रॉब्लम तो नहीं है तो वो भी वो दो तीन बार सोच के कहोगे नहीं हाँ जी हैगी है तो उन्हें एक ही होंगे कि वह हैजीटेशन करते हैं नहीं आते अगे कि नहीं दस पाते
तो यह कोई गल नहीं है, यह प्रॉब्लम है, ये लेडीज़ में एक नॉर्मल जी प्रॉब्लम है, किसी को भी हो सकती है, किसी हाइजीन के कारण हो सकती है या हॉर्मोनल प्रॉब्लम के कारण हो सकती है, अगर किसी को भी यह प्रॉब्लम है तो जरूर दसिया करो, क्योंकि ये जो कैंसर जो ये बच्चेदानी का कैंसर वो पानी तो भी बन जाता है, जिन्होंने सिलिकोरिया की प्रॉब्लम करते हैं, ये वास्ते एक वायरस होंगे ह्यूमन पैपीलोमा वायरस जो कि कैंसर कोजिंग वायरस है, जो जो अपन पानी पैंता है तो यदा मतलब है कि साड़ी जो कि अंदर है वो एक गंदी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि उन्होंने जो एटमोसफेयर चाहिए होंगे वो लुकोरिया वर्गी जी प्रॉब्लम है उन्होंने वो एटमोसफेयर देकर वो ग्रोथ वधाता है। इस तो इलावा किसी को कोई भी एबडोमिनल पेन रहती है, बहुत ज़्यादा फैटीक महसूस करते हैं, यूट्रस से फिब्रॉइड्स या सानू नहीं पता कदों कैंसर का रूप ले लेंगे है, या किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स होंगे तो उन्होंने हिस्टेक्टमी करा देनी चाहिए है। कई लेडीज़ को लगता नहीं जैसे बच्चेदानी कढ़ा देंगे सानू प्रॉब्लम आएगी, बच्चेदानी ना कढ़ाना प्रॉब्लम आ सकती है, शायद वो कढ़ाना थानू उस प्रॉब्लम तो छुटकारा जल्दी मिल सकता है। इस करके मेरी एंड विच यही रिक्वेस्ट है कि तुसी अपने एग्जामिनेशन खुद कर सकते हो, क्योंकि किसी ने बार बार आके थानू कुछ नहीं करना कि तुसी टेस्ट कराओ, तुसी एग्जामिनेशन करो, तुसी कुछ पढ़िया करो, अवेयरनेस रखिया करो, तो यह थानू अपने आप में देखना पैना। तो जिहड़े सुन रहे हैं, जिहड़े वीडियो देख रहे हैं, तो जिन्हां नू नहीं देख पा रहे जिन्हें उन्होंने रिलेटिव फ्रेंड्स है, प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है तुसी उन्हां नू इस सिमटम्स बारे दसो ताकि वह भी अवेयर हो सकन, तो असीं पंजाब चो इंडिया चो कैंसर नू घट्टो घट्ट असीं घटा तो नहीं सकते, असीं घटा तो जरूर सकते हैं। थैंक यू।